वेलकम, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मेगा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के क्लास हम सीख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रिया में क्या होता है, आपको सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवीजन होता है। चार तरह के आपको वहां पर फॉलो किया जाता है, प्लस माइनस गुणा और भाग, चार चीज यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, या चूंकि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको प्रीवियस एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और यहाँ पर सोल्व करके भी दिखाएंगे। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि गुणा का अर्थ यहाँ पर है ना एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है, एक्स का अर्थ प्लस, y का अर्थ माइनस, z का अर्थ भागा एवं p का अर्थ गुणा हो तो है ना, यहां पर ध्यान दीजिए ये आपको x है, ठीक है, ये आपको x है, ठीक है, और p का अर्थ गुणा हो तो tan p 2x, गुणा नहीं है यहां पे x है, 2x 5y 5 का मान क्या होगा, ये आपके एक्सटेंस ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सोच करेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, हल यहां पर है टेन पी है ना टू एक्स है, गुणा नहीं है, फाइव वाई फाइव, तो क्या करेंगे टेन, तो टेन हमने लिख दिया। पी का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन में पी का अर्थ गुणा, तो पी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, गुणा, यहां पर क्या है दो, तो दो लिख दिया। अब कहता है एक्स, x का अर्थ, तो x का अर्थ या यदि x का अर्थ प्लस, तो x पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे, हो गया, ठीक है। आ रहा है फाइव, तो हम लिख देंगे फाइव। अब लिख रहा है y, तो y का अर्थ देखिए इसमें क्या है, y का अर्थ है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखे माइनस, यहाँ पे क्या है फाइव है, तो फाइव लिखेंगे, ठीक है। इसको सोचा कर लीजिए, दस दुना बीस प्लस पांच में से पांच गया जीरो, हो गया बीस, आंसर हो गया डी, राइट, कितना सिंपल है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन का जो कोडिंग किया जाता है, मतलब कैसे आपको वहां पर सिलेक्ट कैसे सेट किया हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के आधार पर हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर हो गया कितना 20, जैसे आपको दिखा गया एक्स का अर्थ प्लस वाई का अर्थ माइनस जेड का अर्थ भागा है, जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया उस तरह आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं, और चूंकि ये क्लास जो है आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पर पढ़ाई जा रही है, ठीक है, टीचमेंट एप्लीकेशन पर पढ़ाई जा रही है, और एप्लीकेशन यानी ऐप, टीचमेंट ऐप है ना, ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन है, तो इसके माध्यम पर आपको क्लास चलाई जा रही है। और चूंकि यहाँ पर क्लास आपको फ्री दी जाती है, आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी जाती है, ठीक है। तो अगर आप भी आप टीचमेंट एप्लीकेशन पर ऐप पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लें, है ना, और हमारे YouTube चैनल है ना, जो YouTube चैनल है, तो YouTube चैनल के आपको अबाउट में हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां से आप मोबाइल नंबर के माध्यम से क्लासरूम आईडी ले सकते हैं, और क्लासरूम आईडी लेकर आप फ्री में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कोई चार्ज नहीं है, कोई पेड नहीं करना है, ठीक है, बस आपको टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज से आप वहां पर क्लासरूम आईडी ले सकते हैं। तो चूंकि ये क्लास आपको टीचमेंट एप्लीकेशन ऐप पर पढ़ाई जा रही है, और इसको यूट्यूब में अपलोड किया गया है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, ऐसे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा हुआ है, चलो लिखा है यहां पर, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो है ना कॉमा, माइनस का अर्थ गुणा हो गुणा हो और यहां पर लिखा है गुणा हो
और लिखा है कॉमा, गुणा का अर्थ एक्स गुणा एक की जैसा हो रहा है ना, गुणा का अर्थ डिवाइड तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो दो भागा सिक्स गुणा सिक्स डिवाइड टू बराबर वाट क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है वन, बी में दिया है जीरो, सी में दिया है दस, डी में दिया है चार, डी में दिया है पांच। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2001 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? बस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या दिया है। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भागा हो तथा भागा का अर्थ प्लस हो, तो कह रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा, तो मान क्या होगा? चलो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बस समझने की फिर है। दो भागा यहाँ पर है सिक्स गुणा सिक्स, फिर डिवाइड टू है ना, तो टू का तो टू लिख दिया मैंने। अब कह रहा है भागा का अर्थ क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन में पढ़िए, भागा का अर्थ डिवाइड का अर्थ प्लस, तो डिवाइड की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस सिक्स हो गया। अब यहाँ पर मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ क्या लिखा है, मल्टीपल का अर्थ डिवाइड, तो मल्टीपल की जगह हम क्या लिखेंगे, डिवाइड सिक्स, फिर डिवाइड के मतलब क्या लिखना है, प्लस यहाँ पर टू, इसको सोल्यूशन कर देना है, बस ध्यान दीजिए। तो टू 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 हो गया है ना, और सिक्स से सिक्स में डिवाइड हो गया, बोर्ड मास का यूज करना है। ठीक है, ये प्लस माइनस जो घटा जो भी चीज दिया है बोर्ड मास का यूज करना है, जिसमें आप बोर्ड मास का जो एप्लीकेशन है, बोर्ड मास का जो थ्योरी है वो आपको फाइव क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर डिवाइड हो गया तो हो जाएगा वन, और यह हो गया टू, टू टू फोर वन फाइव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइव आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, फाइव हो गया, नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह आपको दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो गया, फाइव हो गया। चलो इस तरह से और एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, बस इसी तरह के आपको क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, बस अब क्वेश्चन लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन सिस्टम और पैटर्न बस यही होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ट्रिक भी यही है, और पूछने का कैटेगरी भी यही है, और सोल्यूशन करने का मेथड भी यही है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि आप माइंड लगाएं और बढ़ा कर बना दें, बस यहाँ पर आपको वही सी तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है कोऑपरेटिव बैंक का, क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंबर थर्ड क्लर्क। यदि लिख लेते हैं, यदि यदि के का अर्थ, यदि के का अर्थ डिवाइड आर का अर्थ गुणा, आर का अर्थ गुणा टी का अर्थ माइनस और जे का अर्थ प्लस है, तो कह रहा है 40t 120 के 60R 8J 12 बराबर वाट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 52, ऑप्शन वन टू में दिया है 36, ऑप्शन थ्री में दिया है 0, ऑप्शन फोर में दिया है 44, ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। ठीक है,
ये आपको कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंकिंग 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लर्क में। तो इसको कैसे बनोगे, बस वही ट्रिक है। यदि के का अर्थ भागा यहां पर दिया हुआ है, आर का अर्थ गुणा दे दिया है, टी का अर्थ माइनस दिया है और जे का अर्थ प्लस दिया है, तो आपको कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो क्वेश्चन दिया है वहां पर आप बस उसको कॉपी करो। 40 टी, चलो टी का मतलब क्या दिया है, टी का अर्थ है माइनस, तो टी के जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस 120। के का अर्थ है डिवाइड, तो उसके जगह पर हम लिख देंगे डिवाइड 60, हो गया। आर, आर का मतलब क्या है, आर का अर्थ है गुणा, तो आर के जगह पर हम क्या लिख देंगे, गुणा 8। जे, जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ प्लस, तो जे के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस, और 12 है तो 12। बस इसका सोल्यूशन कर देना है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस, पहला डिवाइड होता है तो 62 जा, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 12। अब वुड मास का ट्रिक करके आपको यूज करना है ना, तो 40 माइनस 8 गुना 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 52 हो जाएगा, 52 होगा ना, 52 माइनस 16, 12 में से 6 गया 6 है ना, और यहाँ पर 4 में से गया 3, 36 हो गया ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसी तरह आपको होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं का क्वेश्चन ऐसे ही सोचे किया जाता है। तो अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। और आपको क्लासरूम आईडी है तो चैनल के अबाउट में आप वहां पर जाकर क्लासरूम आईडी ले सकते हैं, टीचमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।